अजमेर का साथी हो जब जो है करबला कूफा में बुलाया गया था तो इमाम हुसैन नहीं गए, इमाम मुस्लिम बिन अकील को, इमाम मुस्लिम बिन अकील को कहा कि तुम जाओ और वहां का जायजा लो, तो इमाम हुसैन ने फरमाया ऐ मुस्लिम बिन अकील यहां आओ, करीब बुलाया, हाथ लिया, रख दिया, कहा इमाम मुस्लिम बिन अकील ये हाथ अब तुम्हारा नहीं है, ये हाथ हुसैन का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन का हाथ है, कूफा में जाओ, हुसैन के नाम का बैत करो। तो मुझे ख्याल आ गया प्यारा इरफान शाह चिश्ती ने जब अपने हाथ में अल्ताफ गाजी का हाथ लिया और लेने के बाद कह दिया अल्ताफ गाजी ये अब प्यारा इरफान का हाथ, ये अब तुम्हारा हाथ नहीं है, ये प्यारा इरफान का हाथ है, सुभान अल्लाह इरफान का हाथ है। तो मस्तान झमेला करने लगा, बाबा झमेला करने लगा, मस्जूद झमेला करने लगा, नहीं दोगे दुकान उठा देंगे, नहीं दोगे दुकान उठा देंगे। तो साहिबे कश्म वहां चला आया कि ये मसूर बड़ा चिल्ला रहा, नहीं दोगे दुकान उठा देंगे, नहीं दोगे दुकान उठा देंगे, नहीं दोगे दुकान उठा देंगे। आखिर इसमें पावर क्या है, बात क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं, कुछ नहीं है, इसी बस बंडलबाजी है। थोड़ा ऊपर देखे, थोड़ा ऊपर गया, इसके पीर को देखा, कहा इसके पीर में भी कोई बात नहीं है, थोड़ा और ऊपर जाए, ऊपर गया, इसके पीर को देखा, कोई बात नहीं है, ये कायत आयत उसकी आंख खुलती है। मिठाई वाले कहता है जितना पैसा लग जाए जो मिठाई खाने मांगे दे दो, ये सही कह रहा है कि एक निगाहे जलाल उठा देगा, तो ये जो है पूरी दुकान क्या, अगर निगाहे जलाल उठा दे तो पूरी जहान को उठा देगा। इसके अंदर कुछ नहीं पाया, इसके पीठ के अंदर कुछ नहीं पाया, इससे जो लगाव है वो बड़ा जलाली है, जिसका नाम साबिर कलियरी है, बड़ा जलाली है। तो अजीजान मिल्लत गाजी अल्ताफ गाजी के जिस्म को मत देखो, देखो इसके हाथ में किसका हाथ है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इसका हाथ है, इसके जलवे में किसका जलवा है, उस जलवा को देखो। जब इनकी कदर करोगे तो तुम प्यारे इरफान शाह चिश्ती तक पहुंच जाओगे, वो अपने पीर तक पहुंचाएंगे, ये अपने पीर तक पहुंचाएंगे, पहुंचते पहुंचते करबला पहुंच जाओगे, अहले बैत के दामन में पहुंच जाओगे। बस अल्लाह पाक से दुआ है, परवरदिगार आलम अहले बैत की मोहब्बत में मरे, अहले बैत की मोहब्बत में दुनिया में रहे, पीर की पीर से मोहब्बत ज्यादा से ज्यादा करे, क्योंकि डायरेक्ट अहले बैत से आप पहुंच नहीं सकते हो, जब तक के पीर में नहीं ढल जाओगे तब तक कोई मकसद हासिल नहीं होगा। इसी बात पर अपनी गुफ्तगु को खत्म करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, वमा अलैना इल्लल बलाग। आप हजरात खड़े होकर सलातो सलाम पढ़े, या नबी सलाम।